अब अगर हम लोग अपना आजादी का इतिहास को पढ़ते हैं तो गांधी के बिना भी आजादी का इतिहास अधूरा है और भगत सिंह के बिना भी हमारा इतिहास अधूरा है। भगत सिंह के बिना हम लोग का जो है कि ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आज जो हम लोग चल रहे हैं, आज हम लोग गांधी जी के रास्ते में चल रहे हैं, चूंकि आज हम लोग सत्याग्रह करने आए हैं। अगर गांधी जी के रास्ते हमारा सत्याग्रह कर रहे हैं, यही अगस्त का महीना था, आजादी के लिए अगस्त क्रांति हुई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ था और मजबूत जिसका शासन काल में सूर्यास्त नहीं होता था उसको इस भारत देश के जो है कि छोड़ के जाना पड़ा, तो हम वही हथियार सत्याग्रह और वही अगस्त क्रांति के तर्क पर आज हम लोग झारखंडी अपना हक अधिकार मान सम्मान झारखंडियों का पहचान 1932 खतियान के आधारित नियोजन नीति, खतियान के आधारित विस्थापन नीति, खतियान के आधारित उद्योग नीति की मांग को लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। और अगर सुन लीजिए महोदय, हमारी मांग पूरा नहीं होगा ना, तो ये धरती त्याग बलिदान और कुर्बानी की धरती है, ये धरती में वीर बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो चांद भैरव, विनोद बिहारी मातो, निर्मल मातो, शक्ति मातो, आज शक्ति मातो का जयंती भी है और आज जयंती के मौके पर हम उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और ये और उसका धरती है फिर से झारखंड के नौजवान, झारखंड के क्रांतिकारी साथी फिर से एक बार अपना पूर्वजों के तर्क पर अपना त्याग बलिदान कुर्बानी देंगे। और हम बार बार कह रहे हैं ये लड़ाई आर पार का लड़ाई है, ये लड़ाई करो या मरो का लड़ाई है, ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। हम लोग ये लड़ाई लड़ने कमर कस के कफन बांध के आर या पार के मूड में लड़ने निकले हैं। जी दादा, आपसे देखिए कि आपको देखिए क्यों लग रहा है कि जिस तरह आपके शरीर से पसीना टपक रहा है और आपका जबान जिस तरह से बोल रहा है, हमें लगता है दादा कि आपका जो है हक और अधिकार एक दिन जरूर सफल होगा। 1924 में आपको आप नए मुख्यमंत्री को नए चेहरा में देखना चाहेंगे या नौजवान के अंदर की भावना का पसीना है। और ये विधानसभा में बैठे वाले हुक्मरान सुन ले कि झारखंडियों के नौजवान में इतना ताकत है कि अपना पसीना जाकर विधानसभा में झाड़ देंगे तो एक एक ईंट धर जाएगा। और सुन ले वहाँ के हुक्मरान लोग, आप लोग बैठ बैठ के खाली कोयला का, बालू का, पत्थर का खाली इधर उधर फेर फेर करिएगा, और जब भी आपको नीति बनाना है जल कल्याणकारी नीति और नहीं बनाइएगा तो 2024 में एक भी विधायक का सूर्योदय नहीं होगा। हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जिसके नेतृत्व जयराम महतो के नेतृत्व में तो हम लोग आज ऐतिहासिक घेराव कर रहे हैं, फिर इसके नेतृत्व में आगे हम लोग कड़ा निर्णय लेंगे, कड़ा फैसला लेंगे।